भाई कोटा का सबसे पहला पॉइंट तो ये कि इकोसिस्टम ही वही है, बच्चे को सिर्फ और सिर्फ वो ही दिखाई देगा, पढ़ाई 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 और पढ़ाई से बनने वाली सफलताओं की कहानियां, क्या बात, वही गूंजती हैं आपके आसपास। तो जब आपके पास वही गूंजती है, अच्छा ये भैया यहाँ पढ़ते थे, आज मान लीजिए हमारा रेजिडेंशियल कैंपस है उसमें उसे पता, अच्छा यहाँ से भैया वो थे स्वतंत्र भैया जिनकी 100% आई लाई, तो उसमें रहने का उसका क्रेज होता है। हर हॉस्टल वाला बताता कि देख इस वाले में से ना ये भैया आईआईटी में गए थे, इसमें नीट में गए थे, सो वो एक अलग टाइप का कोटा का इकोसिस्टम है। तो आपने वो पूरी सीरीज देखी है कोटा फैक्ट्री? टू बी ऑनेस्ट मैंने नहीं देखी, नहीं देखी है, पर सबने देखी है तो मैं इस बात से खुश हूँ। मुझे सही बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद को देख के पता नहीं कैसा महसूस करूँगा। पर देख लेना चाहिए सर। जीतू भैया के कैरेक्टर को वाकई केयरिंग दिखाया। मैं मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये कोटा की खास बात है और मैं उस पर बहुत बिलीव करता हूँ। बच्चों को मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हम अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट नहीं करते हैं, यहाँ पे बिल्कुल नहीं करते हैं। कोटा में आने वाले 95% बच्चे सफल होते हैं, सब सेलेक्ट होते हैं मैं नहीं बोलता हूँ, पर मैं गारंटी लेता हूँ 95% बच्चे सफल होते हैं जीवन में। उसका कारण ये है कि वो 12 से 15 घंटे पढ़ना सीख जाते हैं। एग्जैक्ट सर, आप और हम एक बात मानेंगे, जो जीवन में फोकस होके 15 घंटे 12 घंटे काम करना सीख जाए वो असफल कैसे हो सकता है? ट्रू। तो हम ओरिएंटेशन में भी यही बोलते हैं कि भाई गारंटी लेते हैं कि 95% बच्चा, 5% देखिए ऊपर नीचे होते हैं, यहाँ पर हम सब जानते हैं इस बात। तो वो वाली बात है। फिर आपने बोला कि कमी, कमी थोड़ी सी जो हमें लगता है कि कोटा में और हम सुधार जो करें, हमें थोड़ा सा और अपन बोल सकते हैं कि अकोमोडेशन को, फूडिंग को हमें थोड़ा सा और अफोर्डेबिलिटी की तरफ ले जाना है। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत बड़ा है, बट उसी रफ्तार में, क्योंकि कोटा की क्वालिटी बढ़ती रही तो इन्फ्लो भी उसी रफ्तार में बढ़ना चाहिए, बढ़ता रहा, पर अभी और हमें उसको थोड़ा सा रिफाइन करने की, थोड़ा सा रिफाइन करने की जरूरत है। बाकी कोटा की अपन थोड़ी सी बात बोल सकते हैं, जैसे कई बार ये आपने अब जो ज्यादा सोशल मीडिया में दिखाई देता है कि सुसाइड का हो गया या इनका हो गया, पर मैं आपको बताऊं कि मैं ही नहीं बोलता हूं कि ये नहीं है, पर ये उसी रेशो में जो एक स्टूडेंट्स के रेशो में पूरे देश में है, ये कोई बहुत ज्यादा उसमें नहीं है। बट हाँ, अगर एक भी है तो भी एक कोटा के नागरिक के रूप में, ऑल द मोशन में आज तक हम 1 लाख बच्चे पढ़ा चुके हैं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ, टचवुड, एक भी नहीं हुआ टचवुड, और मैं गर्व के साथ ये बात कह सकता हूँ। उसके पीछे कारण मैं ये बोल सकता हूँ कि हम उसको बहुत प्यार से टैकल करते हैं और अननेसेसरी प्रेशर बच्चे पे सिलेक्शन का नहीं क्रिएट करते। हम बोलते हैं ये सफलता की भूमि है, ये आपकी रैंक एक मापदंड हो सकती है, पर ये आपको सफलता जरूर आपको हाथ लगेगी। हम पेरेंट्स को भी इस मंच के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि कई बार पेरेंट्स जो वो मनी कोटा में स्पेंड करते हैं, उस मनी को उनके आने वाली टेस्ट रैंक्स में या एग्जामिनेशन रैंक से डायरेक्ट लिंक करते हैं। प्लीज डू नॉट लिंक इट, अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स, नॉट ओनली स्कोर्स। इफ दे विल स्टार्ट डूइंग इट ना, ये बिल्कुल जीरो हो जाएगा। जो मेरे साथी सहयोगी कोचिंग संस्थान है उनसे भी हम यही बोलते हैं कि बच्चे पे अननेसेसरी ऐसा प्रेशर क्रिएट ना हो, सफलता की तरफ अपन उनको ले जाए। बाकी छोटी मोटी कमियां इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हैं जो मेरे हिसाब से सिस्टम के साथ इवॉल्व होती हैं, कमियां हैं, बट पूरे विश्व में ऐसा शहर नहीं है ये मैं आपको कह सकता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। ओवरऑल अगर आप हमसे पूछे कि हमने क्या समझा, तो कोटा में आने पर आपको एग्जाम में सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जिंदगी में जरूर सफल हो जाओगे, यहाँ ये चीज आपको फील होगी। सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज मान लीजिए हम पहुंच गए, हम आईआईटी पहुंच गए, 3217 रैंक थी सर, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आप अच्छी जगह गए, दैट व्हाट रियली मैटर्स, आप टॉप आईआईटी एनआईटी। मेरा ये कहना होता है कि टॉप 25 इंजीनियरिंग और टॉप जो 25 मेडिकल कॉलेज है उनमें आपकी सीट होनी जरूरी चाहिए, दैट व्हाट रियली मैटर्स। बाकी अगर अपन मोशन के लिए, जैसे आपने बोला कि हमें क्या अलग करता है, मुझे लगता है आज की तारीख में हम बेस्ट कॉम्बिनेशन है फिजिकल क्लासरूम और टेक्नोलॉजी के मिश्रण में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो हमारे प्लेयर्स हैं उन्होंने फिजिकल क्लासरूम को लग रखा है, टेक्नोलॉजी को लग रखा है, ये सही मिश्रण होना बहुत जरूरी है। मैं इसको इसलिए ऐसा मानता हूं कि हेल्थ केयर, डॉक्टर जो फिजिकली देख रहा है और जो मशीन्स उसकी टेस्टिंग करके डायग्नोज हो रही है, वो कॉम्बिनेशन ही बेस्ट दे सकता है। सो आई कंपेयर एडुकेशन इन टू दैट वे, कस्टमाइजेशन ऑफ एडुकेशन अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आपको फिजिकल क्लासरूम के साथ टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उनके आउटकम्स को निकालकर वापस फिजिकल क्लासरूम को ट्रांसफर करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, सो वी आर द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ, कि हमारा क्लासरूम वाला ऐप कैसे बेस्ट यूज करेगा, उस ऐप से निकलने वाला रिजल्ट को हम कैसे वापस क्लासरूम में ट्रांसफर कर पाएंगे, कैसे उसकी मॉनिटरिंग, इसमें हम बेस्ट हैं। और मेरा पूरा फोकस उधर ही की तरफ है कि हम कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें टीचर्स को फीडबैक देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ बच्चे से फीडबैक लेके टीचर ने क्या बोला उससे मतलब नहीं है, उसने जिस बच्चे को पढ़ाया उस बच्चे ने उस टॉपिक में कैसा परफॉर्म करा, दैट इज अ रियल फीडबैक। So we are working on to it.
क्या बात है, क्या बहुत बढ़िया। बस अनुशासन ही रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि कोटा में जैसे आप बच्चा आया तो उसे अनुशासन दिख रहा है, अरे सब आ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, सब हो रहा है, उसे अनुशासन सब तरफ दिखाई दे रहा है, 90% उसे अनुशासन दिखाई दे रहा है। अगर आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो कि अफोर्डेबल नहीं कर सकते, डरने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो याद रखना अनुशासन ज्यादा रखना है, बस आप कर ले जाओगे। तो ये डिफरेंसेस अगर आप समझ पाओगे, जैसे बच्चों को भी हमेशा बोलता हूँ कि अपनी परिस्थिति देख के काम करना चाहिए। मैं जब कॉलेज से पास आउट हुआ तो मेरे को अपने मतलब कॉलेज से पास आउट जब मैं फर्स्ट ईयर से पढ़ाने लगा तो मेरे को ये समझ में आया कि मेरे जीवन में सिर्फ दो ही चीज़ें मुझे पसंद है, या तो मैं अध्यापक बनूँ या मैं एस्ट्रोनॉट बनूँ। पर एस्ट्रोनॉट इसलिए नहीं बना क्योंकि मुझे लगा यार हमारी पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं कि एस्ट्रोनॉट बनने में पैसे लग सकते हैं, बाहर जाना पड़ेगा आपको, कोर्सेज करने पड़ेंगे, लगा यार हो सकता है वो गड़बड़ हो जाए, तो मैंने सोचा शिक्षक बनते हैं। चलिए अब थोड़ा सा सेगमेंट को चेंज करके आपके सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहेंगे कि इस सेगमेंट में 3-4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपके पास क्या था, PCM या PCB? मैं PCM था, तो मैं IIT ग्रेजुएट। अमेजिंग। अच्छा हाँ, IIT ग्रेजुएट, तो PCM थे सर के पास। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं और आपको जवाब देना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इनमें से आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? फिजिक्स। क्या बात है, मतलब वही उसी को चुना आपने। हाँ, फिजिक्स ठीक है था, फेवरेट था। फिजिक्स और मैथ्स में अपन बोल सकते हैं 19-20 ही था जब पढ़ता था तब, ठीक है। पर केमिस्ट्री तो मतलब हालांकि आपका सब्जेक्ट है, आप पढ़ाते थे केमिस्ट्री, पर मुझे मैं बच्चों में बार बार कहता हूँ लाल पीला मिलाओ नीला निकल आता है, मुझे कभी समझ नहीं आया वो। तो अगला सवाल मेरा यही था और सर ने जवाब दे दिया, आपको सबसे बेकार सब्जेक्ट यानी केमिस्ट्री लगता था? मतलब अब केमिस्ट्री वालों की मैं तौहीन नहीं करना चाहता हूँ, मुझे वो क्या लॉजिक नहीं मिलता था, तो मुझे क्या मतलब वो समझ ही नहीं आता था, उसमें रटना थोड़ा पड़ता था। जब भी टीचर की इच्छा हुई ऑर्गेनिक कंपाउंड पे ऑर्थोपेरा पे बोला कि ये बल्कि ग्रुप है और स्टेरिक हिंड्रेंस है, अरे हमें कैसे बताया, सी बड़ा बना दिया आपने, हमें कैसे पता पड़ेगा स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो वो मतलब वो एक्चुअली क्या होता है, वो लॉजिक ढूंढने, ऑल दो दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक विच आई हैव डन ड्यूरिंग माई एग्जामिनेशन, आई रियली वॉन्ट टू एडमिट इट। हर बच्चा जो तैयारी कर रहा है याद रखे, केमिस्ट्री के बिना रैंक नहीं आएगी। एग्जैक्टली। फिजिक्स मैथ्स पे रैंक नहीं आएगी, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। फिजिक्स भले मेरा सब्जेक्ट है पर वो सबसे कम नंबर दिलाता है, है ना। और केमिस्ट्री आपका वो सब्जेक्ट है अगर आप इंजीनियरिंग के हो तो, और अगर आप मेडिकल के हो तो केमिस्ट्री और बायो दोनों जो आपको रोज सुबह उठ के पढ़ने चाहिए, रटने चाहिए, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, समय बचाएगा। फिजिक्स में सर सॉल्व करना पड़ेगा ना, उसमें तो क्या आता है आपको पता है कि यार प्रेसिपिटेट पिंक कलर का निकला, याद है लगा दिया टिक, हो गया, दैट सेव योर टाइम। आप समझिए, आप केमिस्ट्री का एक सवाल करते हैं और फिजिक्स का एक सवाल करते हैं, आप प्रैक्टिकली केमिस्ट्री में दुगना फायदा करते हैं, चार नंबर भी लाते हैं और समय भी बचाते हैं, वो समय आप कहीं और लगा सकते हो। तो केमिस्ट्री मेरा बेकार था, मतलब मेरे 55 नंबर आए, मेरे को खाली कहना नहीं चाहिए इसमें, 12th में मैथ्स में 98 नंबर आए पर केमिस्ट्री में 55 नंबर आए, उसमें से भी 29 नंबर तो प्रैक्टिकल थे। अगला सवाल पूछेंगे आपसे इसी सेगमेंट में, सारे लोग एनवी सर को फिजिक्स के लिए आइडल मानते हैं, लेकिन एनवी सर किसे अपना आइडल मानते हैं, किन से उन्होंने फिजिक्स के सारे गुर सीखे? मैं वैसे मैं आपको सही बात बताऊं तो मैं प्रिंसटन और जो जितनी भी US की यूनिवर्सिटीज़ हैं बड़ी बड़ी, इनके हम जैसे वॉल्टर लेविन सर हो गए, इनके मैंने बहुत लेक्चर्स देखे हैं, तो दे आर रियली गुड इन टू इट इन एक्सप्लेनेशंस। तो किसी एक को बोल के मैं बोला आई रियली डू नॉट वॉन्ट, बट जितने भी आप देखेंगे YouTube इज़ वन ऑफ द थिंग जो आपको बहुत सिखाता है, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंटेड कि वो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। और फिजिक्स में मैं आपको सही बताऊँ तो अथाह ज्ञान है, मतलब पहले लगता था पढ़ते ही रहे पर वो अथाह है, मतलब जो पढ़ने वाले उनको भी मैं बोलना चाह रहा हूँ कि उस समुद्र में गोता नहीं लगाए, उतना ही बाल्टी में पानी भरें जितना आपका सिलेबस है, नहीं पार पा पाएंगे अपन। ट्रू, नहीं पार पाएंगे। पैराडाइम शिफ्ट पढ़ने लग जाओ, रिलेटिविटी पढ़ने लग जाओ, आपको इंटरेस्ट आने लगे, आप फिजिसिस्ट हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, पर द पॉइंट इज कि वो इतना है, अच्छा दुनिया को भी नहीं पता है ना, वो तो बहुत सारी चीज़ें दुनिया को भी नहीं पता है। तो जो फिजिक्स है उसके लिए मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसे लोगों को हमने, वाल्टर लेविन सर के मैंने बहुत सारे वो देखे हैं। बाकी अगर आप देखेंगे तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटीज ने बहुत सारे एनिमेटेड वीडियोस बना रखे हैं, जैसे पार्टिकल की ड्यूअल नेचर पर उन्होंने दे हैव एक्सप्लेन्ड रियली वेल, बहुत 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 अच्छे से वो करते हैं। शुरुआती दौर में मैं एक नाम और लेना चाहूँगा जो 12th बहुत अच्छी पढ़ाते हैं सर, प्रदीप क्षेत्रपाल सर। हाँ वो अभी नहीं रहे। हाँ बट उनके जो प्रदीप क्षेत्रपाल सर हैं उनके लेक्चर्स जो हैं वो बोर्ड के हिसाब से बहुत बढ़िया, वेरी पिन पॉइंट, मतलब वो बेसिक्स को बहुत अच्छे से, क्योंकि आपको कुछ कोई भी एग्जाम पढ़ाना है बेसिक्स आपको करनी पड़ेगी। बाकी एक अध्यापक के क्या कर्तव्य होने चाहिए वो मेरे हिसाब से पूरे कोटा शहर को
बंसल सर ने ही सिखाया है। क्या बात है, क्या बात है। तो ओवरऑल यही है भाई, इंटरेस्ट होना अलग बात है, लेकिन सिलेक्शन के लिए उतना ही पढ़ो जितनी जरूरत है, और अगर ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो पहले सिलेक्शन कराओ, फिर बीटेक एमटेक करो, पीएचडी में पढ़ लेना, जो भी करना, बिल्कुल सही बात है, बाद में पढ़ता है। तो अगला सवाल मेरा इसी से है, आपने बहुत सारे टीचर्स के नाम बताए, बहुत सारे बच्चे ऐसे देखते हैं क्योंकि वो फिजिक्स पढ़ते हैं हमेशा ना, बहुत सारी बुक्स उन्हें बुक सेंटर पे दिखती हैं, मटेरियल्स दिखते हैं, तो अगर मैं आपसे कहूं कि तीन ऐसी बुक्स या मटेरियल जो आप रेफर करना चाहोगे कि अगर आपको वाकई में फिजिक्स में ट्वेल्थ में नीट और जेई के अंदर अच्छा करना है, अलग अलग सेगमेंट में भी बता सकते हैं, आप क्या प्रीफर करें? वैसे देखिए मैं बताऊं, जेई के सेगमेंट में 110% इतने PYQs हो चुके हैं, दूसरा कुछ करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 3-4 साल में जब से ये हुआ है 16-16, 17-17, 20-20 पेपर हो रहे हैं। आप ही मान लीजिए सबसे पहली बुक है PYQs चैप्टर वाइज। क्या बात है, सबसे पहली चीज है, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी कुछ भी हो। फिजिक्स की अगर अपन बात करें तो जेई में आपको एचसी वर्मा और इरोडो के करीब 918 सवाल होते हैं जो आपको करने चाहिए, इसके बाहर आपको बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यू, एचसी वर्मा और जैसे मोशन के बच्चे, तो एक शीट अपनी जो होती है उसको आप कर ले, इससे ज्यादा की आपको कोई जरूरत नहीं है। नीट के बच्चे हैं उनको भी अगेन पीवाईक्यू उस पर फोकस करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उनको एचसी वर्मा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके नंबर फिजिक्स में 180 में से जहां पे भी आप पढ़ रहे हो, अगर आपके नंबर 100-120 से ज्यादा आ रहे हैं, देन यू शुड डू जेई मेन पीवाईक्यूज, क्योंकि नीट का और जेई मेन का सिलेबस सेम है। तो जेई मेन के स्टैंडर्ड के कुछ 5-7 सवाल नीट में भी आते हैं, तो अगर आप चाहते हो कि मेरे को उस 120 को थोड़ा बढ़ाना है, देन यू शुड डू नीट पीवाईक्यूज, देन यू शुड डू जेई पीवाईक्यूज। अगर अपन इन चीजों को बैलेंस करेंगे तो बने। क्या बात है। फाइनली सेगमेंट का आखिरी सवाल पे चलते हैं सर, क्योंकि आप एक टीचर हैं और बहुत सारा इमोशनल कनेक्शन आपका भी है बच्चों के साथ में, और बच्चों का भी रहता है आपके साथ में, तो सबसे पहले एक ऐसा मोमेंट जानना चाहते हैं जिसमें आप इमोशनली बड़े खुश हुए थे कि यार मेरे बच्चों ने ऐसा कुछ किया, तो ऐसा कोई मोमेंट आपके साथ हुआ, ऑब्वियसली हुआ होगा, सबसे अच्छा मोमेंट कौन सा था? मतलब एक रैंक आई थी अनमोल गर्ग करके, 66 रैंक थी उसकी, वो बच्चा दो बार मैं बोलूँगा, एक निषिद्ध भी था, तो उसकी 66 रैंक आई, वो अनमोल गर्ग बिल्कुल क्लास में पीछे बैठता था और बहुत बढ़िया से पढ़ता था, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी वो उसकी 66 रैंक आएगी। क्या बात। और उसकी 66 रैंक आई, वो आया, उसके कुटा के रहने वाला था, अनफॉर्चुनेटली अब है नहीं दुनिया में वो, और तो ही पास्ड अवे बिकॉज ऑफ सम डिजीज, बट ही वाज अ वेरी ब्राइट चाइल्ड, मतलब जो कहते हैं चुपचाप पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उसकी जब रैंक आई और वो एकदम से आया, तो जैसे कई बच्चों को आपको पता होता है कि यार ये एक्सपेक्टेड रैंक होगी, यार ये बच्चे आएंगे, तो वो पर जब उसकी रैंक आई तो मुझे अलग सा चार्म हुआ, मैंने कहा यार वो जिसे कहते हैं ना गूज़बम्स खड़े होते हैं, ऑल दो ये गूज़बम्स अभी रिसेंटली अभी जिस बच्चा मैंने आपको बोला कि जिसकी यूपीएससी में 73 रैंक आई लास्ट ईयर, ऐसे एक आईपीएस का मेरा बच्चा पंजाब में लगा, वो घर आया मिलने, यहीं पे बैठ के हमने बातचीत करी, तो ऐसे जब बच्चे कभी कभी आते हैं और एकदम से वो खुशी देते हैं, तो मतलब वो हर साल साल में एक दो बार तो मिलती ही मिलती है। क्या बात है, क्या बात है। और अब इस सेगमेंट के आखिरी सवाल पे चलते हैं सर, सेगमेंट का आखिरी सवाल, आपको क्या ये फीलिंग नहीं आती कि आईटी जेई का जो एग्ज़ाम है या नीट का एग्ज़ाम है, कितने हद तक अपने बच्चों को सिलेक्शन से तो जस्टिफाई करता ही है, ठीक है, बट इमोशनली मेंटली वो जो प्रेशर होता है उनके ऊपर, क्या आपको नहीं लगता कि वो ओवरबर्डन है हमारे बच्चों के लिए, क्या उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए, या फिर आप इसमें क्या चेंजेस करना चाहते हैं इन एग्ज़ाम्स में, जिससे कम से कम ये जो पीयर प्रेशर है या फिर इस तरह का जो एजुकेशनल प्रेशर होता है बच्चों से हटे, उसके बारे में आपका क्या मानना है? भाई देखिए ऐसा है, टू बी ऑनेस्ट एंड ब्लंट, हमारे देश में बहुत लोग हैं, ये हमारी ताकत भी है, इसलिए कंपटीशन तो रहेगा, ये आप मान के चलिए, और कंपटीशन ही आपको ऊपर ले जाएगा, यही हमारी ताकत है। तो कंपटीशन का प्रेशर मत लीजिए कि अगर इसमें मेरी रैंक नहीं आई, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो मेरे साथ थे, जो मेरे से ऊपर रैंक पे भी सिलेक्ट हुए, जो नीचे भी सिलेक्ट हुए, जो नीचे सिलेक्ट हुए वो उन ऊपर वालों से बहुत ऊपर हैं आज जीवन में। तो पहली बात, आपको ये जो साल दो साल हैं, मैं बच्चों से बोलता हूँ कि मेरा जो जीवन जी रहे हैं ऐसे 15 दिन में छुट्टी मनाने का मन है कि 15 दिन मेरे को कमरा मिल जाए, मैं पढ़ता रहूँ, चाहे वो लीडरशिप की बुक्स हो चाहे वो फिजिक्स की बुक हो, पर आपके और हमारे पास अब इतना समय नहीं, ये समय है जब आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हो, जो 12 से 15 घंटे रोज पढ़ना सीख गया वो जीवन में असफल नहीं होगा, ये बात याद रखनी है बस। क्या बात। रैंक उसका एक आउटकम है जो ऊपर और नीचे हो सकता है, पर ये तुम अपनी सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हो। पेरेंट्स को भी हम यही बार बार बोलते हैं कि आप अपने पैसे को उनकी रैंक से मत करिए, अगर आपका बच्चा फोकस होकर पढ़ रहा है तो वो अच्छा बनेगा ही बनेगा। क्या बात।
ये कन्फर्म है। अगर इस माइंडसेट के साथ हम चलेंगे तो हम फिर किसी में भी पीछे नहीं रह सकते। मतलब हमें वो संघर्ष करने की जो प्रक्रिया, हम सफल क्यों होते हैं क्योंकि हम संघर्ष करने की प्रक्रिया को इंजॉय करने लगते हैं। आज आप और हमें, हमसे भी लगातार पूछते हैं आप 12-14 घंटे काम क्यों कर लेते हो, क्योंकि मैं अपने आप को लकीस्ट मानता हूं कि मैं वो कर रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं, इसलिए मैं 14-15 घंटे काम कर पा रहा हूं। अगर मैं भी आईटी करने के बाद, मेरी भी 2 सॉफ्टवेयर में जॉब लगी थी, अगर मैं उसको ज्वाइन कर लेता तो मैं शायद वहां एक्सेल नहीं कर पाता। तो मैं ये कहता हूं, ये जो आपकी 14-15 घंटे काम करने की आदत है, ये वो संकल्प की पहली मेहनत वाली सीढ़ी है। क्या बात, ये आपको उस तरफ ले जाएगी बस जो आप जीवन में करना चाहते हो। इंजॉय दिस जर्नी, इसे संघर्ष करने की। एक बहुत अच्छे आईएएस ऑफिसर थे जो मैं हमेशा बात करता हूँ, उसकी बात को दोहराना चाहता हूँ। 2 साल पहले उनकी आईएएस में फर्स्ट रैंक आई थी, उन्होंने बहुत सुंदर बात बोली। उन्होंने बोली कि भाई हम लोग संघर्ष और दुख में अंतर नहीं कर पाते। संघर्ष और दुख में, दुख आपके परिवार का कोई सदस्य चला गया, दुख है, इरिप्लेसेबल है। संघर्ष रोज पढ़ना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, दौड़ना पड़ रहा है, ये संघर्ष है। संघर्ष को दुख से मत कंपेयर करिए, दुख अलग चीज है। संघर्ष को इंजॉय करिए। जिस दिन आप संघर्ष को एंजॉय करना सीख जाओगे, उस दिन आपको मजा भी आएगा और आपको पता नहीं पड़ेगा आप सीढ़ी कैसे चढ़ते चले जाओगे। ये सब बाधाएं हैं, मतलब जो आसपास जो हमें दिखाई देती है, उनको आप बिलीव करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो ऐसे मैंने लास्ट टाइम बोला कि आपका आखिरी सवाल होगा, आखिरी सवाल इस सेगमेंट का अब है कि एनवी सर जब क्लास में जाते हैं तो उनके कौन से 3 ऐसे पेट डायलॉग हैं जो कि आप जनरली यूज करते हो, वो कौन से पेट डायलॉग्स? एक तो सभी बच्चे जानते हैं हाँ कि ना, तो बेसिकली मैंने आई स्टार्टेड टीचिंग तो मैंने सबसे अच्छा काम एक करा कि पहले मैंने पढ़ा कि अपार्ट फ्रॉम फिजिक्स, मैंने ये पढ़ा कि एक अच्छे टीचर के एज ए ह्यूमन बींग क्या गुण होने चाहिए। तो मैंने बहुत सारे, सही बताऊं तो इंटरनेशनल पेपर्स पढ़े अबाउट टीचिंग। उसमें एक बात हम सब लोग जानते हैं कि अगर अपन आधे घंटे बिना बोले बैठे रहेंगे तो अपना दिमाग शिथिल पड़ जाएगा, अपना नहीं चलेगा। तो आपको बच्चे को एक्टिव रखना है। एक्टिव रहने का तरीका है कि उससे हाँ ना बुलवाइए। एंगेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसको करना पड़ेगा आपको लगातार, तब वो जागा रहता है। तो हाँ ना रहता है, बाकी बच्चे सुंदर कन्या से बहुत रिलेट करते हैं। सो आई जनरली पुट मोस्ट ऑफ द, क्योंकि हम 15-18 साल के लड़कों को और लड़कियों को पढ़ा रहे होते हैं, तो दैट क्रिएट्स ह्यूमर इन टू द क्लास। और क्लास लेना वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ माय डे, बहुत मजा आता है, क्योंकि आप रियलिटी में जैसे ऑफिस की मीटिंग ले रहे तो फिर भी आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है क्या बोल रहे हैं। बच्चे अपने बिल्कुल फ्रेम में है, पढ़ाने में कोई समस्या है नहीं, मतलब वो अमेजिंग, बहुत आनंद आता है। तो वहाँ क्लास में आप डांटते हैं कभी? मैं डांटता बहुत हूँ, मतलब जो बच्चे मुझे जानते हैं मैं स्ट्रिक्ट हूँ, अब तो फिर भी कम हो गया। ऑल्दो मेरे को मन से नहीं बोलना चाहिए, बट हाँ 5-7 साल पहले तक तो मैं पिटाई भी लगाता था। बच्चे स्केल खाते थे, हो सकता है वो जानते भी। नहीं, हमने खाए डंडे खाए। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट चल जरूरी है, मतलब देखिए इतनी मुश्किल से पेरेंट्स हमारे पास छोड़ के जाते हैं। तो मैं बच्चों को एक ही बात बोलता हूँ, देखो याद रख लो, मैं क्लास में पहले दिन जाता हूँ तो सबसे पहली बात यही बोलता हूँ, देखो जो मैं वीडियो में दिखाई देता हूँ ना यूट्यूब पे, वो अलग नितिन विजय, वो वैसे वाला नितिन विजय जो किसी के घर जब मम्मी पापा जाते हैं तो उनके बच्चों को कैसे कहते हैं, और बेटा कैसे हो, पर अपने घर वाले बच्चों को कैसे रखते हैं, तुम मेरे घर वाले बच्चे हो। तो मैं स्ट्रिक्ट, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूँ भाई, उनके माँ बाप से वादा करा है कि आपके बच्चे का भविष्य बनाएंगे। भविष्य नहीं भी बने, कम बने चलेगा, बिगड़ने तो नहीं देंगे। कोई बच्चा हमारा, अगर मान लीजिए मैं बार बार बोलता हूँ, हमारा बच्चा अगर कोई हमें बाहर मोशन का कोई भी हमारा बच्चा हमें दिख जाए जो गलत ट्रैक पे हो, तो हर साल मतलब मैं 3-4 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको घर भेज देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है यार कि इनको ज्यादा मॉनिटरिंग की, 3-4 ज्यादा नहीं होते, बट कुछ बच्चे होते हैं चंचल होते हैं, कई बच्चे चंचल होते हैं ना, अपने हम भी टीन एज में थे, तो उनको कंट्रोल करना थोड़ा, क्योंकि वो एक बार अगर ट्रैक से बाहर हो गए तो फिर भाई बच्चा थोड़ा कम पढ़ ले, कोई 6 घंटे पढ़ रहा है, कोई 7 घंटे पढ़ रहा है, कोई 8 घंटे पढ़ रहा है, चलेगा, बट अगर उसकी ट्रैक थोड़ी सी भी चेंज हो वो अपन, तो होमवर्क चेकिंग और ये सब थोड़े से स्ट्रिक्ट रहते हैं। फाइनली एक सवाल जो है मुझे लास्ट में ऐड करवाना है, मैं अभी पूछ रहा हूँ तो एड्रेस ध्यान दें। अभी आपने एक इवेंट किया था कल ही जिसमें काश मैं भी उसका पार्ट होता, पर सुन के आइडिया बड़ा अच्छा लगा कि आपने जो, ऐसे सुनने में आ रहा है कि आपने अपना जो YouTube का जो भी अर्निंग है उससे जो भी आपको अर्निंग होता है वो आप चाहते हो कि फ्री में आप बच्चों को पढ़ाओ, तो आपने एक बहुत बड़ा इवेंट किया, तो उसके बारे में थोड़ा प्लीज बताइए। एक्चुअली वैसे मेरे को पता नहीं था कि YouTube से भी बहुत ज्यादा कमाई होती है। पहले तो हम हमारे वो उसमें आप तो समझते हैं कि वो कमर्शियल्स ऑन करने होते हैं, तो हमने ऑन ही नहीं कर रखे थे। फिर अभी 6-8 महीने पहले मेरे को हमारी टीम ने बताया तो हमने उसको स्टार्ट करवाया, तो हमें पिछले 6 महीने 5 लाख रुपए की कमाई हुई यूट्यूब से, ये बच्चों का प्यार ही था। तो बैठे बैठे मेरे को टीम को आइडिया आया कि यार क्यों ना इसे 5 लाख के कमाई को बच्चों को वापस दिया जाए। तो हमने सोचा कि हमने 5-6 बच्चों को तो कोचिंग बिल्कुल कोटा में फ्री कर दी, और कुछ हमारे छोटे प्राइजेज और निकाल दिए, 36 प्राइजेज निकाले, और बच्चों से लॉटरी अनाउंस करते हुए फॉर्म भराए। हमने सोचा हो सकता है 1000-2000 फॉर्म भर जाएंगे, 70,000 फॉर्म भर गए। क्या बात है,
70,000 फॉर्म भर गए विद इन अ वीक. तो कल ही हमने उसकी लॉटरी निकाली. तो फिर वो क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे वेंडर्स जुड़ गए, हमारे कुछ टीचर्स ही बहुत अच्छे सब अध्यापक हैं, उन्होंने बोला सर एक एक बच्चा हम भी स्पॉन्सर करते हैं. तो वो संख्या जो पहले 6 की थी कोटा में फ्री पढ़ाने की, वो संख्या बढ़ के करीबन 53 हो गई. क्या बात है. 53 बच्चों के लिए कल हमने फ्री लॉटरी निकाली है. और प्रैक्टिकली मैं बताऊँ तो मैं शिक्षा को गूगल की तरह देखता हूँ. जो मैं अगर जो आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है क्योंकि आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, हमें शिक्षा को ऐसे देखना चाहिए कि मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप सिर्फ प्राइस पॉइंट घटाने के लिए क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लो. क्वालिटी तो जो होनी चाहिए और बढ़ते रहनी चाहिए वो होनी है. और टेक्नोलॉजी का इनपुट हो कुछ भी हो, उसके लिए एक रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए एक पैसे का रिक्वायरमेंट है. ये पैसा सिर्फ बच्चों की पॉकेट से ऐसा जरूरी नहीं है. हम सब लोगों को प्रेशर बनाना चाहिए. एक तो कोचिंगों को शिक्षण संस्थान के दर्जे में लाया जाए, 18% बच्चे का घटा देगा. दूसरा, हमें स्पॉन्सर्स लाने की प्रक्रिया चालू हो. आज जैसे गूगल है, लोगों की कितनी सेवा कर रहा है प्रैक्टिकली, पर ऐसे थोड़ी कितना बड़ा बिजनेस है उनके, पैसा कहीं और से आ रहा है. मतलब मेरे मन में, मैंने आज तक ऐसी बातें कभी शेयर नहीं करी, पर मेरे मन में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आती है. मैं तो कहता हूँ आज कोई बच्चा कोई बोलते कि साहब रिलायंस का यहाँ पे हमारा मोशन का बच्चा लोगो लगाए घूमेगा पूरे साल, हमें क्या दिक्कत है अगर वो रिलायंस हमें हर बच्चे को 8,000 रुपए दे दे. बहुत बढ़िया, हमें क्या बुराई है. मैं कह रहा हूँ सब तरह लोगो लगा देंगे, वो आप ही टी शर्ट पहन के घूमेगा, बच्चा तो फ्री पड़ेगा. और मैं कह रहा हूँ जो स्पॉन्सर्स है उनसे ये ऐसा कुछ सोचते हैं हम, अगर ऐसा हम शिक्षा को इधर की तरफ ले गए तो ये विन विन सिचुएशन है. बहुत बढ़िया. तो ऐसे कोई हमें पैरामीटर्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि आप सिर्फ प्राइस पॉइंट घटा के अगर आपने क्वालिटी घटा दी तो फिर फायदा नहीं है उसका. सत्य. और एक एक क्वालिटी को बढ़ाते रखने के लिए एक प्राइस पॉइंट रिसोर्सेज, आज हम कितनी भी बातें कर लें पर एजुकेशन से जुड़े हुए भी 90-95% दे आर वर्किंग फॉर मनी. इट्स अ ट्रुथ. सत्य. इट्स अ ट्रुथ. और मैं तो अपनी बता दूं, जब मैं आईआईटी में गया था तो पहले तो सोचता था लंबी गाड़ी खरीद लूं बहुत है. ये एथिकल एजुकेशनल वैल्यूज एक बेसिक नीड मध्यम वर्गीय की पूरी करने के बाद ही आती है. एग्जैक्टली. मैं तो अपने बारे में ही बोल रहा हूँ, पहले दिन से मैंने ऐसा नहीं सोचा था. हाँ शिक्षा मेरे को अच्छी लगती थी, पर पहले सबने कहा था लंबी सी गाड़ी ले लेंगे, एक फॉरेन ट्रिप हो जाएगी. मध्यम वर्गीय परिवार कैसे होता है, फ्रिज खरीद लेंगे, वॉशिंग मशीन खरीद लेगी. पहली बार सैलरी आई तो हमने वॉशिंग मशीन खरीदी नहीं और मम्मी को दी, तो वो एक चाम रहता है अलग टाइप का. पर मेरे हिसाब से अपने को उधर के मॉडल्स की तरफ काम करना. ये लॉटरी उसकी एक शुरुआत सी लगी मुझे कि यार एक तरीका है जिसको काम यूज कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. बहुत सबसे पहले तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कोटा. आपने स्कूली शिक्षा कहाँ से की? मोदी पब्लिक स्कूल है, बिल्कुल यहीं पास में ही है मेरे घर के. हाँ तो यहीं पे पढ़े. उसके बाद आपने ब्रेक लिया तैयारी करने? हाँ मैंने रिपीट करा और कोटा का ही था तो रिपीट करा. 11th 12th में थोड़ा पढ़ा पर थोड़ा भटक गया था 12th में. वो कैसे मतलब ज्यादा तो मैं नहीं बताऊंगा पर वो फेयरवेल वेयरवेल होते हैं. हाँ. तो हमें भी कुछ स्मार्ट सर दिखते ही हैं तो समझ गए होंगे है ना. तो 12th के साथ मेरी थोड़ी 6,500-7,000 रैंक आई IIT में. उस समय इतनी सीट्स नहीं होती थी. तो फिर वापस रिपीट करा, फिर वापस 3,217 रैंक आई. उसका कारण केमिस्ट्री ही था कि वापस मैंने केमिस्ट्री पे ध्यान नहीं दिया. तो फिजिक्स मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आए थे बट केमिस्ट्री की वजह से पीछे रहा. देन वेंट टू IIT BHU. हां देन अगेन केम बैक टू कोटा. तो IIT BHU से सर ने पास आउट किया पहली बार इंजीनियरिंग में जब आप एंटर हुए. अच्छा आप ये भी पूछना चाहता हूँ, स्कूली शिक्षा आपकी हिंदी में थी कि इंग्लिश में? इंग्लिश में थी, पर हमारा स्कूल मतलब मॉडरेट मीडियम ही था. तो आप कॉप अप कर गए इन सिचुएशन से कि हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं आया आपको? ऐसी कोई बहुत चैलेंज नहीं था. पर हमारा कोई स्कूल बिल्कुल प्योर इंग्लिश मीडियम टाइप नहीं था कि बिल्कुल सब कुछ वैसा ही हो रहा है. सारा जो कंटेंट वो इंग्लिश में चलता था. बट हाँ सही बता दो, इंग्लिश मीडियम देशी भाषा स्कूल था. मैं फर्स्ट ईयर के बाद से 15-16 घंटे रोज काम करता था. तो जैसा आप कह रहे हो वैसा मैंने कॉलेज में कुछ भी नहीं करा है, करा ही नहीं है. ऑल द मुझे लगता है कि वो टाइम भी मैंने पूरा ही, बट हाँ दैट पेड ऑफ वेल. तो वो हाँ फर्स्ट ईयर के बाद मतलब मैं फर्स्ट ईयर की छुट्टियों से पढ़ाने लग गया था. फिर मेरे को समय नहीं मिलता था बिल्कुल, क्योंकि पापा ने बोला कि यार तू पढ़ा. पापा ने कंधे पे हाथ रखा जब मैंने बोला पापा मैं पढ़ाना चाहता हूँ. तो उन्होंने बोला, उनकी दो शर्तें थी, उन्होंने कंधे पे हाथ रखा कि देख सबके बच्चे IIT करके कोई US जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, तू टीचर बनेगा है ना, और तू टीचर बन जा. माई फादर सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग, घर वालों ने बहुत सपोर्ट करा. तो उन्होंने बोला कि यार तुम है ना जो एक बात याद रखना, तुम्हें पढ़ाना है पढ़ा लो, मुझे दो चीज़ें चाहिए कि तुम्हारी बीटेक ढंग से होनी चाहिए, बीटेक विद ऑनर्स, और कोई ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम टीचर इसलिए बने क्योंकि तुम्हारे पास नौकरी नहीं थी. क्या बात. व्हेन यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT, मैंने कहा आई विल मेक श्योर कि ऐसा नहीं होगा. सो व्हेन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज आई पास आउट विद बीटेक ऑनर्स एंड आई गॉट फाइव जॉब्स, 3 in education industry, 2 in software. क्या बात. तो टीचिंग प्रोफेशन मैंने मजबूरी में ज्वाइन नहीं करा, दैट इज व्हाट चॉइस था. चॉइस थी मेरी. तो
मेरे फादर की वही थी यार, ऐसा नहीं हो कि नौकरी लगी इसलिए भाई टीचर ही बन जाओ. क्या बात. उस समय पे बहुत ज्यादा लोग बाय चॉइस नहीं आते थे, मजबूरी में आते थे कि यार कुछ नहीं मिल रहा है तो चलो पढ़ाने भी लग जाए. तो वो एक था. पर मुझे लगा कि फादर की वो बात से कि वो उसने मेरे को स्ट्रेंथ दी कि नहीं यार डिग्री को लाइटली नहीं लेना. तो मेरा क्या शेड्यूल बहुत टाइट होता था. मतलब सुबह मेरी कोचिंग थी कोटा पॉइंट के नाम से वहाँ पे, तो सुबह 5:30 बजे उठ के 6 बजे कोचिंग चल जाना, फिर 6 से लेकर 7:30-8 बजे तक एक क्लास लेना, फिर 8 से 4 कॉलेज, फिर वापस 4 से 5, 4 बजे कॉलेज से आना, 5 बजे वापस क्लासेस चालू कर देना, जो रात को 9 बजे तक चलती थी. अब शुरुआती दौर में तो टीचर को पढ़ना भी पड़ता है, तो 9 बजे आए, खाना वाना खाया, 10 बजे से पढ़ने लगे, फिर 1 बजे सोए, फिर सुबह 6 बजे. क्या बात. ये रूटीन बहुत सालों तक चला. क्या बात. वो चलता ही रहा. वो तो मेरे को ज़्यादा फुर्सत मिली नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग. ऐसा था. कॉलेज के टाइम पर कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद आता हो, बहुत फनी इंसिडेंट हो, ऐसा कुछ याद आता हो? ऐसे तो बहुत कॉलेज में बहुत सारे फनी इंसिडेंट ऐसे हैं जो मैं कैमरे पे बोल नहीं सकता हूँ. अच्छा. बाकी हाँ, कॉलेज की लाइफ बहुत अच्छी रही. मेरा एक दोस्त था परमवीर, वो भी पढ़ाता ही है, तो वो हरियाणा का एकदम शानदार है. वो मतलब वो 3 लीटर दूध रोज पीता है. क्या और सब जबड़ा परसेंट. अभी थोड़े दिन पहले घर भी आया था. वो सुनेगा जरूर तो मेरे को मारेगा. तो उसकी मेरी जॉब लगी IBM में पहली. तो सब लोग, हम बहुत सारे लोग खड़े थे. बहुत दमदार, मैं पतला था. तो उसने आगे पीछे और मास्टर बहुत बधाई तेरे को, मैं वहां जाके गिरा. सब लोग बहुत हंसे, कह रहे थे. बट हाँ, तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स जो कॉलेज, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अच्छे कॉलेज में जाने का सौभाग्य मिले तो जरूर जाना चाहिए. जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना. पर दोस्त ऐसे नहीं बनाने चाहिए जो 3 लीटर दूध पिए. पर अमीर सॉरी भैया. फाइनली आपकी इंजीनियरिंग खत्म हुई, और सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी, आप कह रहे थे कि कॉलेज में जब आप थे आप तभी से कमा रहे हैं, तो एक लमसम फिगर बता सकते हैं कि हाँ इतना तो मैं तब अर्न करना शुरू कर दिया था? हाँ, मतलब व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो मैंने आपको जैसे बताया कि व्हेन आई वाज इन फोर्थ ईयर, तो आई वाज अर्निंग क्लोज टू 15-20 लाख रुपीस. अरे अमेजिंग, क्या बात है. एंड आई जॉइंड इन कोटा ओनली एट 5.8 लाख रुपीस. सो दैट वाज वो डिसीजन मेरे लिए थोड़ा, क्योंकि खुद की कोचिंग है, 700 बच्चे हैं, आप पढ़ा रहे हो, सब सही चल रहा है. स्टिल मेरे को लगा कोटा जाना चाहिए, यहाँ शिक्षा का अलग स्तर है. पर फाइनेंशियल लग रहा था यार कि इतना बड़ा डिसीजन, पर मुझे लगा चलना चाहिए. दो कारण थे. शिक्षा का सबसे अच्छा शहर कोटा है, दूसरा मैं खुद ही कोटा का हूँ. एग्जैक्टली, आप सही जगह पे हो. हाँ, सही जगह पे हो. थोड़ा सा बनारस ने भी इसमें रोल प्ले करा, क्योंकि वो बिल्कुल ईस्टर्न यूपी है, तो थोड़ा सा वहाँ पे माहौल उतना सेफ नहीं. अब तो काफी चेंज हो गया है. अभी बहुत अच्छा, अब बहुत अच्छा हो गया. उस समय उतना सेफ नहीं था. नहीं था. तो राजस्थानियों को तो थोड़ा सा वैसे ही डिफरेंट लगता है, तो वो थोड़ा सा चेंज. और फाइनली, क्योंकि ये मेरे को बात और ज़्यादा अच्छी लगी कि आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं थे अपनी कॉलेज लाइफ से, ये बहुत अमेजिंग चीज़ है जो कि बहुत कम होती है. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 ऐसी लर्निंग्स जो अभी स्कूल से कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, जिनको आप देना चाहोगे, जिनका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, उनको 3 ऐसी लर्निंग क्या देना चाहोगे आप अपनी लाइफ से? एक बात तो, पहली बात तो ये, एक ही लक्ष्य निर्धारित करिए. हम बार बार कहते हैं गड्ढा एक ही जगह खोदिए. फर्स्ट ईयर में चूज कर लीजिए मुझे क्या बनना है. मेरे बहुत सारे इंटेलिजेंट दोस्त हमने देखा, पहले फर्स्ट ईयर में GRE कर लें, फिर GMAT कर लें, फिर एक काम करते हैं कि IAS की तैयारी कर लेते हैं, फिर चलो जॉब की तैयारी कर लेते हैं. ये नहीं करना है. फोकस हो जाए कि मुझे यही करना है. स्टिक टू इट, आपको 110% फायदा होगा. डू नॉट टेक योर डिसीजंस बाय फैसिनेशन. कॉलेज में आपको, अपन सब लोग जानते हैं कि सही शब्द में बोले तो सुट्टा बहुत चलेगा, ये सब बहुत चलेगा, है ना. आप, मैं, आई एम नॉट अगेंस्ट अल्कोहल, 95% ऑफ पीपल टेक इट, आपके घरों पे भी चलता है, नॉर्मल है, चलेगा. उसमें आपको फ्लो में नहीं बहना है. मतलब वो गलत आते वहीं से पड़ती हैं. सत्य. तो उन पे अपने को थोड़ा सा वो, क्योंकि वो फैसिनेट करेंगी वो उस समय. सत्य. तो मेरे हिसाब से इस तरफ अपन ध्यान रखें. तो पहली बात जो आपने पूछा, 3 चीज जो मैं कहना चाहूंगा, एक तो फोकस रखिए. फोकस रखने के बाद आप इन जो डिस्ट्रैक्शंस जिन्हें अपन बोल सकते हैं, जो फैसिनेशन की वजह से आते हैं, उनको अलग हटा दीजिए. तीसरी बात, लर्निंग को एंजॉय करिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. और जो आपका फोकस एरिया है ना, उसके आसपास की लर्निंग आपको सारी होनी जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी. तो लर्निंग कभी बंद नहीं होनी चाहिए. वो जो लर्निंग का एंजॉयमेंट है, आई थिंक अगर वो आप, और वो लाइफ लॉन्ग है. ट्रू. वो लाइफ लॉन्ग है. ट्रू. व्हेन यू मीट पीपल, व्हेन यू रीड समथिंग, व्हेन यू सी समथिंग, यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो सराउंड योरसेल्फ विद द लर्निंग्स. दैट इज द थर्ड पॉइंट व्हिच आई रियली वांट टू मेंशन. क्या बात है, क्या बात है. बहुत सारी चीजें हम सर से सीख रहे हैं. अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ में.
सर आपकी, अब मैं थोड़ी चीज़ें आपकी फेवरेट पूछूंगा, आपको उसके बारे में जवाब देना है। सबसे पहले तो मैंने जैसे पूछा है, लेकिन फिर से अपन इसको शुरू करते हैं। आपका फेवरेट सब्जेक्ट? फिजिक्स। क्या बात है, आपकी फिजिक्स में फेवरेट चैप्टर? थोड़ा डिफिकल्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आप पूरा मान सकते हो। ठीक है, फिजिक्स के अलावा आपको कौन सी बुक अच्छी लगती है? अब आजकल तो मुझे बहुत सारी जो जितनी भी एमबीए की लीडरशिप्स की बुक्स हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जब संस्थान तीन साल बाद तक वो 3 साल तक वो ग्रो करा, फिर वो थोड़ा सा स्टैग्नेट करा, फिर मुझे लगा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक बार तो आप किसी भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में स्किल की वजह से ऊपर ले जाते हो, फिर लगता है यार आपकी स्किल से थोड़ी चलेगा वो, बहुत सारे आपकी स्किल लोग चाहिए, तो आप छोटी छोटी सीखते हो कि मैं एक नितिन विजय में व्यक्तिगत रूप से सारे स्किल्स नहीं हो सकते, बट ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सारे स्किल्स को मैप करना सही आदमियों से, तो ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी को लीडरशिप में इनका इंटीग्रेशन प्रोसेसेस को, उसको पढ़ने में मुझे मजा आता है क्योंकि मैं इंप्लीमेंट कर पाता हूँ। तो अगर मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बुक का नाम पूछूं कि यार ये बुक मैं पढ़ रहा हूँ मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, वो कौन सी? जैसे अभी रिसेंटली जो मैंने अभी बुक पढ़ी थी वो मेरे को अच्छी लगी, एटॉमिक हैबिट्स, आपने सुना होगा, बहुत 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 फेमस बुक है, बट मेरे को लगा कि वो पावरफुल है। एटॉमिक हैबिट्स इट्स अ गुड बुक, मस्ट रीड है, एक बार हमको उसको पढ़नी चाहिए मतलब वो ऐसे, हालांकि बहुत सारी बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी हैं, पूरी नहीं भी पढ़ पाता हूँ, तो आजकल तो ऑडियो ऑडिबल्स और इन सब में छोटी छोटी होती हैं, पर एटॉमिक हैबिट्स मुझे लगा कि एटॉमिक हैबिट्स के लिए मैं इसलिए बोल सकता हूँ कि अभी जैसे मेरे को लास्ट 1.5-2 साल में मुझे डॉक्टर ने बोला कि यार आपको इतने साल हो गए 16-17 साल, तो मेरे पैरामीटर्स थोड़े ऊपर नीचे आए थे, कोलेस्ट्रॉल ऊपर ये नीचे, तो उन्होंने बोला आपको हेल्थ, आप काम करते रहना चाहते हो अच्छी बात है, पर आप, मैंने हेल्थ पे बहुत फोकस नहीं करा एक्चुअली, तो फिर मतलब मेरे को लगा कि हाँ वो करना चाहिए, तो फिर दैट हेल्प मी कि नहीं यार आपको कुछ हैबिट्स बिल्ड करनी चाहिए, करनी पड़ेंगी, और वो अच्छी बुक है, मतलब अच्छी हैबिट्स के लिए। बहुत बढ़िया। अगला सवाल है कि आप इंडियन यूथ मेंटेलिटी में क्या एक परिवर्तन करना चाहोगे? फिकलनेस इंक्रीज हो गई है, जंपिंग, होपिंग टुवर्ड्स करियर्स, होपिंग टुवर्ड्स बिकॉज ऑफ फैसिनेशन एट दैट सोशल मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, आज ही कर लेता हूँ, कल ये कर लेता हूँ, परसों कर लेता हूँ, दे हैव इमेंस पोटेंशियल, बट फोकस इज मिसिंग, आई थिंक फोकस इज स्लाइटली मिसिंग, गॉट इट, और वो फोकस स्टार्ट करने का बहुत सारा काम शायद हम सोशल मीडिया भी कर रहा होता है उसको लेके, बट द पॉइंट इज कि वो थोड़ा सा है, नहीं इनफैक्ट सोशल मीडिया तो ज्यादा रीजन हो सकता है कि फोकस से हट रहे हैं बच्चे। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वो हटते हैं उससे कि आज ही कर लेता हूँ, आज ही कर लेता हूँ, उसके इन्फ्लुएंस में आ गए, पहले तो उसको इन्फ्लुएंस करने वाले चाचा ताऊ के भैया हुआ करते थे, आज वो शायद हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, आज प्रैक्टिकली अगर मैं आपसे बात करूँ, यू आर सो फेमस इन टू सोशल मीडिया, सो अगर आप ये बहुत अच्छी बात है कि आप नैतिकता के आधार पे अपनी फॉलोअरशिप बढ़ा रहे हैं, बट ऐसे भी लोग हैं जो स्वार्थ से प्रेरित हैं, सो वी नीड टू, जैसे मैं बच्चों से कई बार बोलता हूँ कि हमारा कोई भी निर्णय स्वार्थ से प्रेरित नहीं है, शिक्षा से प्रेरित है, तो मैं कहता हूँ कि यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट थिंग एंड यू रियली नीड टू आइडेंटिफाई योर करेक्ट मेंटोर, सत्य, यू नीड टू आइडेंटिफाई योर करेक्ट मेंटोर, और बिफोर डूइंग इट यू हैव टू एनालाइज इट सो डीपली कि यार ये मेंटोर वाकई लायक है कि नहीं है। वैसे फिर एक चेंज जो आप कोटा में लाना चाहते हो? कोटा में लाना चाहता हूं, जैसा कि मैंने बोला कि कोटा में जो मैं लाना चाहता हूं वो ये है कि कोटा को कोटा के थोड़े अकोमोडेशन को थोड़ा और मैं कम कीमत पे लाना चाहता हूं, थोड़ा सा वो क्या है, थोड़ा सा ज्यादा की तरफ है, थोड़ा सा मैं कम पे लाना चाहता हूँ, क्योंकि कोटा में बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है, पर बहुत सारे बच्चे बिकॉज ऑफ दैट आते नहीं, नहीं आना चाहते बहुत सारे, अगर मेरे हॉस्टल साथी, कई बार सही बताऊं तो मैंने एक आध मन से बात बोली तो कई सारे मेरे साथी सहयोगी जो हॉस्टल वाले हैं वो कहते हैं अरे यार आप तो पीछे कम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं अपन ऐसा सोचें आपकी कमाई बिल्कुल बंद करने की बात नहीं हो रही है, और अच्छा कुछ गलत बोल जाऊं तो कट जाएगा क्या? अरे सर काट ही देंगे, वैसे आप बड़े एक्चुअली हुआ क्या कि बड़े सुलझे हुए सवालों के जवाब दिए हैं, एक पे भी यू नो एक क्या होता है पॉलिटिक्स भी एक तरह की रस्सी है जिस पे हम चलते हैं, थोड़ा इधर उधर गिर जाएंगे, पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दिया।